नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे JBL Go 3 एंड Sony XP 13 के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। देखेंगे कैसे हैं ये स्पीकर, क्या साउंड की क्वालिटी आपको ऑफर करते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस आपको ऑफर करते हैं एंड क्या डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों ब्लूटूथ स्पीकर्स में। तो इस वीडियो में आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो के साथ बन रहे। साथ इस चैनल पे ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो आते रहते हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी कंपैरिजन वीडियो मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले बात करें दोनों के डिजाइन की, तो दोनों के डिजाइन में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सोनी XP 13 आपको सिलेंड्रिक शेप में देखने को मिल जाएगा, जबकि JBL Go 3 में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोनों का डिजाइन अपनी जगह सही है, आपको इन दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहां पे सोनी XP 13 को आप इसी पोजीशन में रख के सुन सकते हैं, जबकि JBL Go 3 को आप मैनी पोजीशन में रख के सुन सकते हैं। आप इसको इस पोजीशन में रख के सुन सकते हैं, इस पोजीशन में रख के सुन सकते हैं, या फिर आप इसको कहीं भी किसी भी पोजीशन में रख के सुन सकते हैं। बट आप सोनी XP 13 को सिर्फ एक ही पोजीशन में रख के सुन सकते हैं ऐसे, या फिर आप इसको कहीं हैंग करके सुनना चाहते हैं तो वैसे भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी दो पोजीशन सुनने की आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद बात करें बिल्ड मटेरियल की, तो दोनों में ही आपको काफी अच्छी बिल्ड मटेरियल देखने को मिल जाता है, दोनों में ही आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बिल्ड मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे Go 3 में आपको सारा ही लगभग फैब्रिक देखने को मिल जाता है, या फिर आपको सिलिकॉन रबर देखने को मिल जाता है इसके इस साइड में या फिर इस साइड में। एंड सोनी XP 13 में आपको ऊपर की तरफ इसका मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाता है, बाकी आपको बहुत ही अच्छी प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है इसके साथ में। एंड स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, सोनी XP 13 में कुछ ज्यादा ही बड़ा स्ट्रैप दे दिया है इन्होंने, जबकि आपको Go 3 में छोटा सा स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जो इसके लुक को इनहेंस करता है, जबकि थोड़ा सा अजीब लगता है सोनी XP 13 का स्ट्रैप जो है। सोनी XP 13 के स्ट्रैप को आप रिमूव कर सकते हैं, बट JBL Go 3 के स्ट्रैप को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है इनके स्ट्रैप में। उसके बाद बात करें कंट्रोल बटन्स की, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको काफी सारे कंट्रोल बटन्स देखने को मिल जाते हैं। JBL Go 3 के आपको साइड में पावर ऑन ऑफ स्विच एंड ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ इसके यहाँ पे, या फिर इसको ऊपर कह लीजिए या फिर इसको साइड में कह लीजिए, यहाँ पे इसका मल्टी फंक्शन बटन देखने को मिल जाता है। दो वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है, इसको चार्ज करने के लिए ओपन दिया गया है। एंड आपको सोनी XP 13 में यहाँ पे पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए बटन देखने को मिल जाता है, मल्टी फंक्शन बटन देखने को मिल जाता है इसके कॉल एंड एंड रिसीव के लिए, सॉन्ग प्ले पॉज के लिए, एंड यहाँ पे आपको इसके वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों में ही आपको लगभग सेम कंट्रोल बटन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही स्पीकर्स में आपको टाइप सी देखने को मिल जाते हैं इनको चार्ज करने के लिए। सोनी XP 13 में आपको रबड़ कैप के नीचे इसका चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, तो आपको इसको अगर चार्जिंग में लगाना है तो आपको रबर स्ट्रैप को हटाना पड़ेगा, फिर आप चार्जिंग में लगा सकते हैं। जबकि JBL Go 3 के चार्जिंग को आप इजिली यूज कर सकते हैं, मतलब इसको इजिली आप चार्जिंग में लगा सकते हैं। एंड बात करें के ड्राइवर एंड बेस रेडिएटर के पोजीशन की, तो यहाँ पे सोनी XP 13 में आपको ऊपर की तरफ इसका ड्राइवर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 बार का ड्राइवर दिया गया है सोनी XP 13 में, एंड नीचे की तरफ इसका यहाँ पे बेस रेडिएटर देखने को मिल जाता है, जबकि आपको Go 3 में सामने की तरफ इसका बेस रेडिएटर देखने को मिलता है एंड यहीं पे आपको इसका ड्राइवर लगा हुआ है। एंड JBL Go 3 में आपको 4.2 वाट का ड्राइवर देखने को मिल जाता है एंड सोनी XP 13 में आपको 5 वाट का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सोनी XP 13 आपको 0.8 वाट RMS ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे साउंड टेस्ट में देखेंगे कि साउंड की क्वालिटी में एंड साउंड की लाउडनेस में कौन सा यहाँ पे बेहतर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो सोनी XP 13 में आपको 1400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसका बैटरी बैकअप सोनी की तरफ से 16 आवर का क्लेम किया गया है। रियल यूजेज में कितना बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिलेगा मैं निकाल रहा हूं, जब निकल जाएगा तो आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले। एंड बात करें JBL Go 3 की, तो इसमें आपको 750 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड जिसका बैटरी बैकअप JBL की तरफ से 5 घंटे का क्लेम किया गया है, बट JBL Go 3 में आपको 4.5 या 4 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से देखने को मिल जाता है अगर आप इसको 80% या 100% पे सुनते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा बैटरी बैकअप आपको सोनी XP 13 में देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बैटरी बैकअप के लिए जाना चाहिए तो आप सोनी XP 13 की तरफ जा सकते हैं। दोनों का ही परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाके इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं या फिर इनको परचेज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनका प्राइस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो हो सकता है जब आप चेकआउट करें तो बहुत ही अच्छी डील चल रही है उस पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद बात करें चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पे सोनी XP 13 को 4.5 घंटे का टाइम लगता है 0 to 100 फुल चार्ज करने में, वहीं JBL Go 3 में
ढाई घंटे का टाइम लगेगा इसको 0 to 100 फुल चार्ज करने में। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ज्यादा बड़ी बैटरी सोनी SP13 में देखने को मिलेगी, तो ज्यादा टाइम भी लगेगा इसको चार्ज करने में, जबकि GO3 में आपको छोटी बैटरी देखने को मिल रही है, तो बहुत जल्द क्या 2.5 घंटे में वो 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगी। उसके बाद बात करें कनेक्टिविटी की, जो ये ऑफर कर रहे हैं आपको, तो दोनों ही स्पीकर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी ऑफर कर रहे हैं, आपको कोई इसमें ऑक्स की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑक्स लगा के सॉन्ग सुनने हैं, तो इन पे आप ऑक्स लगा के सॉन्ग नहीं सुन पाएंगे। एंड यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है इनके ब्लूटूथ वर्जन की, जहां आपको JBL GO3 में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाता है 5.1, वहीं आपको सोनी XP13 में 4.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाएगा। दोनों के ही ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बहुत ही क्विक है एंड काफी अच्छी है, बट यहाँ पे मैंने दोनों को जितना यूज किया है, तो JBL GO3 की कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जल्द आपके डिवाइस के साथ में ये कनेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे और एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों स्पीकर में, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको माइक चाहिए, अगर आप कॉल पर्पस के लिए एक स्पीकर देख रहे हैं, तो वो सोनी SP13 में देखने को मिलेगा। JBL GO3 में आपको माइक इनबिल्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे सोनी SP13 एक ऐसा स्पीकर है जिसमें आपको माइक इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, जबकि GO3 में माइक निकाल दिया है इन्होंने, माइक नहीं दिया है। एंड उसके बाद बात करें IPX सर्टिफिकेशन की, तो दोनों ही स्पीकर में आपको IPX7 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो दोनों ही स्पीकर कंप्लीटली वाटरप्रूफ देखने को मिल जाते हैं, तो दोनों ही स्पीकर को आप पूल टाइम या सावर टाइम में यूज कर सकते हैं। एंड दोनों ही स्पीकर में आपको ऑटो पावर कट का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो दोनों स्पीकर अगर ऑन है एंड आप इनको यूज नहीं कर रहे हैं, तो अपनी पावर को ये ऑटो कट ऑफ कर लेते हैं एंड आपके लिए अपनी बैटरी को सेव कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि इनमें आपको ऑटो पावर कट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोनों ही स्पीकर को आप एक और सेम स्पीकर के साथ में भी पेयर कर सकते हैं, तो दोनों स्पीकर को आप स्टीरियो मोड में सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक और स्पीकर परचेज करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके किसी फ्रेंड के पास में हो तो उसके साथ में इनको पेयर कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट है कि दोनों सेम स्पीकर होने चाहिए, जैसे सोनी XP13 के साथ में सोनी XP13 ही पेयर होगा एंड JBL GO3 के साथ में JBL GO3 ही पेयर होगा। सो ये थे इनके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स एंड बिल्ड मटेरियल कंट्रोल बटन्स। अभी कर लेते हैं दोनों ही स्पीकर में सॉन्ग प्ले एंड देखते हैं कि साउंड की क्वालिटी में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है एंड कौन सा ज्यादा अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, ज्यादा प्रीमियम एक्यूरेट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अपने हेडफोन्स का यूज करें साउंड टेस्ट सुनने के लिए, ताकि आपको साउंड का बेटर आइडिया लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड टेस्ट। I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. You know I wanted to stay course of God, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days. Home to you. I'm coming home to you.
दोस्तों ये था इनका साउंड टेस्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए कौन सा स्पीकर विनर था, किसकी साउंड आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सा स्पीकर ज़्यादा अच्छी बेस के साथ में ज़्यादा अच्छे मेड हाइज एंड वोकल्स स्पेशली वोकल्स प्रोड्यूस कर रहा था। साथ ही बात करें इनकी साउंड के डिफरेंस की, तो यहाँ से जो मैंने लाइव नोटिस किया है तो सोनी XP-13 में आपको बेस काफ़ी अच्छी एंड डीप बेस सुनने को मिल रही है, जबकि GO 3 में आपको डिसेंट बेस सुनने को मिल रही है। इसकी बेस डिसेंट है, जबकि सोनी XP-13 में आपको काफ़ी डीप बेस सुनने को मिलेगी। मिड एंड हाइज जो हैं वो डेफिनेटली JBL GO 3 के क्लियर हैं। अगर आप ऑडियो फाइल लवर हैं तो आपको JBL GO 3 पसंद आने वाला है, एंड आपको बेस पसंद है तो आपको डेफिनेटली सोनी पसंद आने वाला है। ओवरऑल बैलेंस साउंड जो है वो आपको सोनी XP-13 में सुनने को मिलेगी, बिल्कुल लिटिल बिट डिस्टोर्शन आपको JBL GO 3 में देखने को मिलेगा जब आप हाई वॉल्यूम पे इसको प्ले करते हैं। बिल्कुल माइनर सा है, आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल माइनर सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हाई वॉल्यूम पे इसके ट्रेवल जो हैं वो थोड़े से शार्प हो जाते हैं एंड बेस इसकी थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है जब आप JBL GO 3 को हाई वॉल्यूम पे प्ले करते हैं, तो इसकी साउंड में आपको चेंज आता दिखेगा। अगर आप इसको 80% वॉल्यूम तक प्ले करते हैं तो इसकी साउंड काफ़ी बैलेंस्ड रहती है एंड इसकी बेस भी आपको काफ़ी अच्छी एंड डीप पंची बेस निकल के आती है जब आप इसको 80% तक प्ले करते हैं JBL GO 3 को। उसके बाद आप इसको प्ले करते हैं तो थोड़ी सी इसकी बेस फ्लैट सी लगने लगती है। बात करें सोनी 13 की, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डीप एंड पंची बेस देखने को मिलती है एंड हाई वॉल्यूम पे भी इसकी साउंड क्वालिटी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। आपको वैसी ही साउंड सुनने को मिलेगी जैसी आपको 13, 14 या 15 या 16 या 80 या 70% वॉल्यूम पे सुनने को मिलती है। तो यहाँ पे सोनी की साउंड में आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, बट सोनी की साउंड में मुझे एक प्रॉब्लम लगी थोड़ी सी कि इसकी साउंड कंप्रेस्ड होके आती है, थोड़ी सी कंप्रेस्ड साउंड लगती है जो आपको JBL GO 3 में देखने को नहीं मिलेगी। JBL GO 3 की हर एक बीट, हर एक डिटेल, हर एक साउंड जो है वो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर आती है, काफ़ी अच्छे से साउंड प्रोड्यूस करता है JBL GO 3, जबकि सोनी 13 में मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि इसमें कंप्रेस्ड होके साउंड आ रही है, थोड़ी सी दबी दबी सी साउंड आ रही है। ऐसे मान लीजिए कि इसको आपने बंद कर रखा हो चारों तरफ से, किसी बक्से में रखा हो, उसके बाद जैसे साउंड आती है वैसे साउंड इसमें आ रही है। तो मुझे इसकी साउंड से सिर्फ यही दिक्कत लगी सोनी XP-13 में कि इसकी साउंड थोड़ी सी कंप्रेस्ड आ रही है, बाकी आपको ओवरऑल साउंड काफ़ी अच्छी सुनने को मिलेगी। अगर आपको बेस चाहिए तो डेफिनेटली आप सोनी XP-13 की तरफ जा सकते हैं, एंड अगर आप ऑडियो फाइल लवर हैं, अगर आपको ट्रेवल ज़्यादा पसंद है, डिसेंट बेस चाहिए एंड आपको थोड़ा सा लाउड चाहिए एंड आपको थोड़ी सी क्रिस्प एंड क्लियर साउंड चाहिए तो आप JBL की तरफ जा सकते हैं। एंड वोकल्स की बात करें तो दोनों ही स्पीकर्स में आपको काफ़ी अच्छे वोकल्स सुनने को मिलेंगे। दोनों ही स्पीकर के वोकल्स क्रिस्प एंड क्लियर हैं, काफ़ी अच्छे से डायलॉग्स आते हैं। अगर आप इस पर कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से ही क्रिस्प एंड क्लियर डायलॉग आएंगे, थोड़ा सा भी डिटोर्सन या मडीनेस नहीं है इन दोनों स्पीकर्स में, काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं एंड काफ़ी अच्छे से ये वोकल्स प्रोड्यूस करते हैं। दोनों की साउंड क्वालिटी से आपको ओवरऑल कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए, डीप एंड पंची एंड काफ़ी अच्छी से बेस चाहिए, इतने से स्पीकर में आपको बहुत ही अच्छी बेस देखने को मिलेगी सोनी के स्पीकर में, जबकि JBL उनके लिए है जो ऑडियो फाइल लवर हैं। एंड आप क्या सोचते हैं इन दोनों स्पीकर्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसी लगी है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं एंड आने वाले कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही किसी और कंपैरिजन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।